लेकिन कार शुरू होने के 2 दिन के बाद ये है और दो दिन बाद ये है नाम छोड़ दिया ना। नहीं सर, ये है 2 दिन के बाद ये है और कार और समाप्ति से 3 दिन पूर्व भी ने कार छोड़ दिया। हाँ आओ कार समाप्ति से चलिए सर, बीच में रहा है ना, ये बस हो रहा है। देखो वो क्या कह रहा है, पहले के बाद एक और जो दिया हुआ अभी देखो सर क्वेश्चन पढ़ो। कार शुरू होने के 2 दिनों के बाद ये है और कार समाप्ति से 3 दिन बी ने कार छोड़ दिया। है ना, 3 दिन पहले किसने छोड़ा है बी ने और 2 दिन बाद किसने छोड़ा है ए ने, एलसीएम बताओ कितना होगा, एलसीएम बताओ जल्दी कितना होगा। 180। ऐसे देख के आंसर आ गया कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 12। देखो मैंने बताया था तुम्हें टाइम एंड वर्क कितने दिन के बाद काम छोड़कर जाएगा, नहीं कितने दिन बाद काम छोड़कर जाएगा, कितने दिन बाद काम छोड़कर जाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी से यानी किसकी एफिशिएंसी ए जा रहा है, लेकिन एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई करो कितना, यानी इसने 30 दिन तक 30 लड्डू खाए होंगे 2 दिन तक और लड्डू खा के चला गया होगा, कौन चला गया ए, बचे कितने लड्डू अपने पास, चला कौन गया ये ए, अब इन लड्डू को कौन खाएगा, बी और सी, ए और बी, उसने एक कंडीशन बी और सी रखना, हाँ बी और सी बी, अगर उसने ना ए को चला कर दिया। अब देखो अब उसने क्या कहा है, कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले, मैंने पहले वाले में उन्होंने क्या बताया था, उसकी एफिशिएंसी को उससे मल्टीप्लाई करो और कितना हो जाएगा 12 36 और इसे इसमें ऐड कर दो, पहले जा रहा है ये लोग ने बताया था ऐड होगा 12 कितने हो गए 100 36। अब कौन कौन रहा है काम पे, बी और सी, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 5.7 ये क्वेश्चन करा तो दिया है मैंने, एक बार और करवाएं। क्वेश्चन बोलना क्या कह रहा है, सेवन पॉइंट सिक्स हाँ और बी ने 5.7 रुको बात है नहीं, बी ने 5.7 हाँ रुको रुको पूरा जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे बताओ, ए ने एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें 7.6 लाख रुपए और बी 5.7 लाख रुपए के साथ कुछ महीने बाद जुड़ता है, ओके और एक साल के अंत में उसे लाभ का 1/3 लाभ का 1/3 होता है एक साल के अंत में 1/3 ओके। देखो ए और बी है, वो कह रहा है एक व्यवसाय करता है जिसमें कितना रुपए लगाता है 7.6 लाख रुपए लगाता है, कुछ महीनों के बाद कौन आ जाता है इसमें, अपन को नहीं पता कितने महीने के बाद आया, लेकिन एक साल के बाद इनके लाभ का अनुपात कितना होता है ये, यदि टोटल कितना होगा लाभ 3 होगा तो ये किसको मिलेगा, ए किसको मिलेगा, बी को 1 मिलेगा, तो ए को कितना मिल जाएगा 2, बी को लाभ ये रहेगा और ए का लाभ ये रहेगा, टोटल देखेंगे तो 3 सही बन गया। ठीक है देखो 7.6 मल्टीप्लाई कितने समय तक कार्य चला है, एक साल, तो ए ने तो एक साल किया होगा, कौन आया है 7.5 कितने महीने काम किया है नहीं पता है, इनके ये क्या हो गया पूंजी और ये क्या हो गया समय, बराबर पूंजी समय पूंजी इनटू समय क्या होगा लाभ, लाभ कितना है ए का 1 रुपए, बी का लाभ कितना है 2 रुपए, बस एक्स का मान निकालो यहां से, किससे कटेगा 19 3 19 4 76
हाँ तीन से और काट दो, तीन तिरका नौ, तीन चौक बारह, चार चौक सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, और ये कितना हो जाएगा थ्री एक्स। कहीं गड़बड़ हो रही है क्या? कौन सा? नहीं तीन से कटाए, देखो कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहीं गड़बड़ हो रही है काटने में। बस उन्नीस चौक छिहत्तर ही होता है ना, सही है। उन्नीस दिया सत्तावन, उन्नीस दिया सत्तावन होता है, नौ क्या लिखा था मैंने, उन्नीस दिया सत्तावन, तीन से ही कटेगा ये चार, चार चौक सोलह दूनी बत्तीस, ये कितना हो जाएगा एक्स। यहाँ से भी ज्यादा आ रहा है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ा, कुछ मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन, पूरा जैसे लैंग्वेज दिए वैसे पढ़ना। रुको रुको, क्या ए ने रुपए ओके ओके और एक साल के अंत में एक बटे तीन बार गुना, कितने महीनों बाद के पास गुना? अच्छा एक साल के अंत में, देखो एक साल के अंत में जी ए को थोड़ी ना मिल रहा है, बी की बात कर रहा है ना वो, तो एक रुपए ये किसको मिल रहा है? एक साल के अंत में ये एक रुपए किसको मिल रहा है? बी को, और ये एक रुपए किसका? दो को, दोनों की कितनी हो जाएगी? यहाँ से दिक्कत आ रही थी, तो ए की कितनी है? दो एफिशिएंसी, एक ही है, यहाँ से सॉल्व करो, कितना होगा आठ दूनी सोलह, यहाँ से कितना हो जाएगा 2x। लैंग्वेज में गड़बड़ आ रही थी, ये 8 आया है क्या आया है ये बताओ मेरे को, 8 महीने बाद? नहीं ये 8 महीने वो आया है क्योंकि देखो इसने इसने कितने समय तक कार्य किया था 12, तो इसमें x की वैल्यू ही तो आई है, तो इसने कितने समय तक कार्य किया है? 8 महीने काम पर रहा है, उसने पूछा है कितने समय बाद जुड़ा था, यानी एक साल में ये आया, यहाँ से आया मान लो, इतने इतने 8 महीने हो गए, तो आगे के पहले कितने होंगे? यानी 4 महीने बाद ये काम पर आया था, राइट आंसर होगा 4 महीने। समझ में आया? चलो अब आते हैं अपन औसत यानी एवरेज, खींचो जल्दी फोटो इसको। अर्थमेटिक में जितनी अच्छे से लैंग्वेज को पढ़ोगे और समझ लोगे ना, 50-60% सॉल्यूशन वही हो जाता है। हो गया, करो जल्दी कर। एवरेज, एवरेज क्या होता है? औसत, क्या होता है औसत? हाँ आयो, और क्या औसत एवरेज पार्टनर से खत्म कर दिया ना अपन। चलो बताओ औसत क्या होता है? एवरेज क्या होता है? हाँ एवरेज नहीं रहता है, पता है गाड़ी का एवरेज। अच्छा एवरेज, हाँ आगे बताओ आगे। औसत क्या रहता है? औसत रहता है, कोई संख्या दी है,
उन सभी संख्याओं यानी आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े वो क्या कहलाता है? औसत। क्लियर? सभी आंकड़ों का योग अपन कुल आंकड़ों की संख्या। कहने का मतलब क्या है? यानी कुछ नंबर दिए हैं, सभी नंबरों का सम आ जाएगा और जितने नंबर होंगे उनसे डिवाइड होगा। मैंने कहा बीस और तीस का औसत कितना होगा? हाँ, तो क्या कह रहा है? ये 25 होगा, सभी का आ रहा है। देखो 50 और 30 दिया है, सभी आंकड़ों का योग कितने आंकड़े हैं? दो अपने पास। औसत निकालना है इनका, तो औसत क्या आएगा? नोट कोई नहीं करेगा साथ में, 20 प्लस 30 अपॉन क्या दिया? कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है? एक और दो, ये कितना हो जाएगा? 50 कितना आ गया? 25। यदि मैंने कहा आपसे 75 और 70 नहीं, 20 लो, 20 बताओ कितना औसत? बताओ औसत मेरे को जल्दी। और कोई सॉल्व करो क्या आ रहा है? 47.5 42.5। अच्छा सॉल्व करो कितना आया है, ऐसे करना है। औसत कितना आया तुम्हारा? देखो औसत, औसत क्या रहता है? देखो औसत क्या रहता है? सभी आंकड़ों का योग, यानी कितने आंकड़े दिए हैं? 75 और 20। कुल आंकड़े कितने हैं? दो। इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 95। दो से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? दो से जाएगा, डिवाइड करेंगे अपन दो से, तो दो चौक आठ, बचा कितना? एक बचा इसमें से, एक इसके पास, तो ये 15 बन जाएगा, दो सत्ते 14, बचा कितना? एक, एक बच गया है तो पॉइंट लगा दो और जीरो बढ़ जाएगा, फिर दो से कितना? 5। कितना आ गया औसत? 47.5। नोट करो इनको, इसे नोट करना और थोड़ी जगह छोड़ना, इस वाले को नोट मत करना अभी, यहाँ तक करो बस। देखो अगर मैं थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास के स्टूडेंट को भी बोलूँगा कि औसत निकालो, तो उसका भी तरीका यही रहेगा, क्योंकि ये मेथड है। अब अपन दूसरा टाइप सीखते हैं आज से औसत निकालने का, कि अगर क्वेश्चन अपन को इस तरीके से ना करना हो तो कैसे करेंगे। हाँ ये और बताओ औसत कितना आया था? औसत कितना आया था इनका? 25। ये वाला करना है बस, वही पहला वाला, दूसरा नहीं करना है। देखो औसत क्या कह रहा है? एक संख्या से बड़ा आ रहा है और एक संख्या से छोटा आ रहा है, इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। यहाँ से 5 प्लस हो रहा है और यहाँ से 5 माइनस हो रहा है। हाँ हाँ हो रहा है, यानी कहने का मतलब ये है
कभी भी दो संख्याएं दी होंगी, उनका औसत, उनका औसत एक संख्या से उतना ही कम होगा जितना कि दूसरी संख्या से ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है? एक संख्या से ये जितना ज्यादा है उतना की दूसरी संख्या से कम है। क्लियर? हाँ, यहां से तुम्हें मैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसमें नहीं लगेगा, कितना आ रहा है पॉइंट, कितना ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, यहां से बताओ कितना कम हो रहा है, घटाओ जल्दी कितना। हाँ 75 में से 47.5 घटाओ, कितना आएगा जल्दी बताओ, और 47.5 में से 20 को इसको घटाओ जल्दी, कितना आएगा। अभी तो तुम कह रहे थे सेम नहीं आ रहा है, क्या तो माइनस कर रहे हैं, ये यहाँ से कम हो रहा है और ये यहाँ से ज्यादा हो रहा है, क्या। हाँ तो वो अभी ये डाउट ये आया था कि ये यहाँ से दोनों 5-5 हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। अब वो निकालना सिखा रहा हूँ मैं कैसे करेंगे। सर, 75 को 47 को 47 माइनस किया। क्या? हाँ, पहले इसमें से घटा दिया अपन ने इसको, ये आ गया तो कम आ रहा है ना, इस संख्या से कम है ना इतना, और फिर इसमें से इसको घटाया है तो ये ज्यादा है ना, इस वाली संख्या से कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, यानी एक जगह प्लस एक जगह माइनस, यही तो मैंने बताया है। यानी जो औसत होगा ना, जो बड़ी वाली संख्या से जितना कम होगा या ज्यादा होगा उतना ही छोटी संख्या से कम या ज्यादा होगा। अब देखते हैं अपन बड़ी संख्या से ये कितना कम है, इतना कम है तो इतना ही इस छोटी वाली संख्या से ज्यादा होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, 20 या 30 में से आपको कोई एक इसका औसत निकालना है, सीखना इसी पे सिखाऊंगा, पूरा औसत इसी पे कराऊंगा। मैंने कहा इसके बीच में तुम्हें औसत नहीं पता है, मैंने कहा कोई भी संख्या मान लो, कोई भी संख्या, मैंने माना 22, क्या माना मैंने, मैंने माना 22 है इनके बीच की संख्या औसत, 22 माना है, 22 से ये कितना कम है, 2 माइनस, 22 से ये कितना ज्यादा है, 8, माइनस प्लस कितना आएगा, प्लस का या माइनस का, 6, कितने आंकड़े हैं, 2 आंकड़ों पर 6 ज्यादा हो रहा है तो एक आंकड़े पर कितना ज्यादा होगा, 3 इसमें जोड़ दो, औसत कितना आ गया, 25 आया था अपना आंसर, 25। मैंने कहा था कोई भी संख्या ले लो, 22 लिया था, अब तुम बताओ कौन सी संख्या लूं तब भी औसत 25 ही आएगा, बोलो जल्दी कौन सी संख्या, कितना, 21 कितना, 41। चलो बताओ 41 से कितनी कम है ये, 21 कम है, अभी मैं इसको हटाऊं, नहीं इसे नहीं हटाता, इसे नहीं हटाता हूँ, दोबारा से लिखता हूँ, 20 और 30 इनका, और 20 और 30 ये संख्या लिखी है, इनका औसत माना है अपन ने 41, ये बताओ कितना कम है, 21, ये कितना कम है, 11, कम है ना दोनों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना 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 कम हो रहा है, ये कितने डिजिट पे कम हो रहा है, 2, तो एक पे कितना, माइनस का 16, माइनस करना है इसमें से 16 घटा दो कितना आएगा, घटा के देख लेना 25 ही आएगा। कोई भी संख्या 21 आया था अभी, 21 ली तो क्या होगा, कितना आएगा, कितना ज्यादा है ये बताओ, ये कितनी कम है, 1 कम है, माइनस ये कितनी ज्यादा है, 9 ज्यादा है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, प्लस माइनस है, यानी 8 आएगा, कितने आंकड़ों पर, 2 पे, 4 जोड़ना है, 4 जोड़ दो इसमें, कितना आ गया, 25। बताओ क्लियर हुआ, मैं तुम्हें ये तरीका हटा रहा हूँ, इस तरीके को तो बच्चा भी कर लेता है लेकिन अपन कंपटीशन में आ गए हैं तो इस तरीके से अपन को करना है। हाँ इस पे आते हैं अपन, बताओ क्या माने संख्या, पॉइंट वाला भी क्लियर करते हैं तुम्हारा,
बताओ कितना माने? 18 मान लिया, 18 मान लिया, अभी 9 भी मान लेंगे, 18। ये बताओ कितना ज्यादा है 18 से? बताओ कितना? 57। हाँ, ये क्या था? ज्यादा था। ये कितना कम है? 2। कितना हो गया? 55। ज्यादा या कम? ज्यादा। 55 में 2 का डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 आंकड़े पे है। कितना आएगा? कितना? 27.5। ज्यादा, इसमें जोड़ दो 27.5। कितना आ जाएगा? गलत आ रहा है, कहीं गलती हुई है। घटा के देखो इसको, ये सही जोड़ा है, घटाया है कि नहीं? सही है। सही है। ये कितना आएगा? 55। 55 27 होगा, 27 दूनी 54 और 1 55। सही है। 18 जोड़ना उसको 7 7 दूनी 14 और 1 15। गलत क्यों हो रहा है? पचहत्तर और 20। आठ पाँच पंद्रह की पाँच तिरपन छः और 1 7। सही है। ठीक है, ये कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? अरे यार, कम कहाँ है? ये 18 से कम है या ज़्यादा है? माइनस में लगवाया, ये 18 से ज़्यादा ही तो है ना, तो प्लस आएगा ना। अब कितना हो जाएगा? 59। ये कितना हो जाएगा? कितना? बस जोड़ दो 29.5। क्या मेथड जो बता रहा हूं वो कभी गलत नहीं होगा। अब इसको नोट करो पहले, इस वाले को। इसके बाद तुम्हें क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नहीं, अभी इस पे प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये 2 संख्याओं पे प्रैक्टिस की है, 3 पे करेंगे, और इसके बाद तुम क्वेश्चन करना, देखना कितनी जल्दी जल्दी होगा। इस वाले को करो नोट। इसमें अपन ने क्या माना था? 18 22, औसत 22 मानना। अभी अजीब लगेगा क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं अपन, 2-4 क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस करते हैं ना, आ जाएगा। हाँ, सभी को कर लो अपने तरीके से, देख लेना कैसे करना है। इसमें 41 माना था अपन ने। ठीक है, मत करो आप, अगले करना। अगले जो करा रहा हूँ उनको खुद ही करना, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ में नोट भी हो जाएंगे। ठीक, देखो इसी तरीके से करना, इस तरीके से मत करना, क्योंकि अपन ने यही रूल फॉलो करना है इस टॉपिक में। बताओ 27 27 33 20 का औसत क्या होगा? क्या? हाँ, जो रूल बताया उसे, क्या बताया? इधर देखो,
एक तीन संख्या पे एक बताता हूँ, उसके बाद तुम करना। बताओ कौन सी संख्या मान ले औसत, बोलो। कोई भी एक संख्या मान लो। हाँ, बिना माने कैसे हो जाएगा? अपन कोई भी संख्या एक मान लो, एक डिजिट भी मान लेंगे। एक डिजिट पे क्या है, अपन अंतर लेंगे ना तो ज्यादा ज्यादा आएगा, तो वो कोई मतलब का नहीं है। अपन सॉल्यूशन को कम करते हैं, अपन मतलब सॉर्ट करते हैं। दस में ऐसी संख्याएं देखा करो जिन इन तीनों के आसपास हो, कोई भी इन तीनों के आसपास आएगा आंसर। दस से भी निकाल के दिखा दूंगा, देखो दस से करके देखते हैं। कितना? अठारह। देखो अठारह, देखो अठारह माना, ये बताओ अठारह से ये संख्या कितनी ज्यादा है? नौ। अठारह से ये संख्या कितनी ज्यादा है, बोलो। और अठारह से ये संख्या कितनी ज्यादा है, यानी तीनों ही संख्या ज्यादा है। प्लस करो सभी को, तीनों को, कितना हो गया? छब्बीस। छब्बीस। अब आंकड़े कितने हैं, अब आंकड़े कितने हैं? तीन। तो ये छब्बीस कितने में बटेगा? तीन में। कितना आ जाएगा? आठ। कितना बचा? दो। सिक्स सिक्स आगे चलता जाएगा, यानी सिक्स को शांत करने के लिए सेवन कर देंगे इसको, तो सिक्स सेवन हो जाएगा। ओके, क्या था? प्लस में था ना, तो इसमें जोड़ दो, सिक्स सेवन, यही आंसर आएगा। क्लियर? हाँ, कोई भी संख्या मानो तब, दो के बाद, हाँ एक पे भी कर सकते हैं अपन, वैसे दो के बाद तरीका रहता है। हाँ, तरीका दो के बाद रहता है, पर अपन ने क्या है दो डिजिट में लेना होता है पॉइंट के बाद, तो मैंने यहीं पे कर दिया। नोट करो इसे, समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है, इस नियम से नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? अभी प्रैक्टिस कराते हैं, अभी तुमसे बनाएंगे ये क्वेश्चन, देखो समझ। ये तो आ रहा है ना, क्या कर रहे हैं इसमें, ओनली एक संख्या मान रहे हैं, उससे इस संख्या को तुलना कर रहे हैं, ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है। बस इसमें कैलकुलेशन होगी ना जिसकी, वो सही है, जोड़ घटाना जिसको अच्छा आता होगा वो कर ले जाएगा इनको, वहां से सेम आएगा। देखो इससे करेंगे अपन, तो इसमें कितना देखना पड़ेगा अपन को, सत्ताईस प्लस तैतीस प्लस बीस अपॉन तीन, ये कितना हो गया? साठ। कितना? अस्सी। अस्सी अपॉन तीन, यहां से भी यही आएगा, कितना आएगा? क्लियर? बस उस रूल को करना नहीं है, मैं अभी क्वेश्चन आएंगे ना तब देखेंगे अपन, उस रूल से होंगे नहीं, अपन इसी से करेंगे शॉर्ट में, इस वजह से सिखा रहा हूँ। जल्दी करो, समझ में आ रहा है? सवाल हो जाएगा उससे लेंदी चला जाता है, फिर गुणा करना पड़ेगा पूरे उसमें, इससे नहीं, इससे ओनली जेई नंबरों के साथ खेलना है बस, यहाँ से सीधा एवरेज निकलेगा, अभी बताता हूँ। देखो हाँ, तो एक और बताओ मेरे को, संख्याएं हैं सत्रह उन्नीस इक्कीस तेईस का औसत क्या होगा, बताओ। इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है सभी, कोई भी एक संख्या मानो, उससे देखो कि ये संख्या कितनी ज्यादा या कम है, ये कितनी ज्यादा या कम है। फिर तीसरा रूल क्या है, सभी को अगर प्लस प्लस आ रहा है तो जोड़ दो, माइनस आ रहा है तो उसे हटा दो बस। फिर उसके बाद आंकड़े देखना है कितने हैं, बीस आ रहा है, ये किस रूल से किया है तुमने, जब कह रहा हूं ना मैं इस नियम से करना है, क्यों कर लोगे, उस नियम से करो, अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। हाँ, इससे करना है अपन ने, आंसर तो कोई भी दे देगा ऐसे। इस नियम से ही करना है क्योंकि ये सीखना है अपन को।
हाँ अभी क्वेश्चन देखना तुम, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जब देखो उस, इससे भी हो जाता है जब आएंगी ना संख्याएं, इन संख्याओं का औसत अगर वो 30 भी देगा ना तब भी गुणा करना ही पड़ेगा और इससे गुणा नहीं करना पड़ेगा तुम, तो जो इस चीज से बचा रहा हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आएगा बस। नहीं आया, चेक करते हैं। ओके 18 से ये एक कम है, ओके एक ज्यादा है, ओके ये तीन ठीक है, ये पांच ठीक है। हाँ अब क्या करना है, अब जोड़ो जो प्लस प्लस वाली है उनको जोड़ो और माइनस वाले को हटा दो। हाँ तो अब ये कितने डिजिट है, एक दो तीन चार, चार डिजिटों में बटेगा ना ये 18, प्लस का आया है माइनस का, तो प्लस लिखो और चार में, अब कितना आएगा दो, दो आएगा ना, तो ये प्लस का था या माइनस का, प्लस का आएगा, संख्या क्या मानी थी 18 में जोड़ दो अगर प्लस का आ रहा है तो, माइनस का आता तो घटा देते। हाँ हाँ 20 सही है, हाँ ये 16 में, अभी ये दो से डिवाइड नहीं देंगे यहाँ पर, चार से देंगे, रुको रुको पहले देखो। हाँ हाँ 20 ही आएगा, करके दिखाता हूँ अभी देखो। हाँ आ गया 20, हाँ कितना माना था अपने संख्या, ओके 15 माना था सही है, ये कितना है दो ज्यादा, ये चार ज्यादा, ये छह, ये आठ, सभी को अपन ने टोटल किया कितना आया था ये ज्यादा 20, 20 कितने अंकों पे, चार पे, चार से हाँ पांच प्लस लगाया करो, अगर ये सभी की प्लस आ रही है तो प्लस, और अगर माइनस आता ना तो अपन ने घटाना होता, इस वजह से साइन लगाना पड़ेगा। हाँ कितना माना है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना है, बीस तो आ रहा है, इस तरीके से करो, एक संख्या मानो कोई भी, कोई भी एक संख्या मानो, कुछ भी मानो, यहाँ लिखो पहले क्वेश्चन को, ये 17, 19, 21 उसको जल्दी बताना नहीं है ठीक, हाँ बताना नहीं है। हाँ आगे बताओ, कोई भी संख्या, मैंने क्या कहा है कोई भी संख्या, इसके आसपास कोई भी हो, 21, 20, 22, 25 जो भी मन में आ रहा है संख्या मान लो, कोई भी संख्या मानो, वही तो बोल रहा हूँ मैं जब से बोर्ड पे, मानो कोई भी, तो लिखो यहाँ पर 21 माना है ना, तो 21 लिखो यहाँ पर और ब्रैकेट बंद करो, 21 21 संख्या अपन ने माना है ठीक है। अब 21 से कितना ज्यादा है, ज्यादा है या कम है, चार कम है, तो माइनस लिखो, माइनस चार, ये कितना कम है, दो, तो माइनस दो लिखो, ये कितना ज्यादा है, ये बराबर है, जीरो लिखो, ये कितना कम है, ज्यादा है, तो प्लस का दो लिखो, प्लस का इनको जो कितना हो जाएगा, दो माइनस का दो, अरे माइनस प्लस होगा, माइनस का छह लिखो, माइनस, अरे माइनस का चिन्ह आता है और प्लस का कितना है, ये दो लिखो, अब ये माइनस छह में से दो करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का चार आएगा ना, तो लिखो माइनस चार बराबर, माइनस ये चार आया है ना, ये कितनी संख्याओं में बटेगा, एक दो तीन चार, चार से भाग दो, माइनस चार को चार से काटेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन, कोई भी एक संख्या मानो, यहाँ मानो कोई भी एक संख्या और ब्रैकेट में बंद करो, इनके आसपास हो, इन सभी संख्याओं के आसपास हो कोई भी एक संख्या मान लो, हाँ 15 से भी आएगा कोई, हाँ बिल्कुल 10 से भी आएगा, हाँ 9 सही है बिल्कुल, कोई भी संख्या मानेंगे अपन सभी से आएगा, कितना माना है, कितनी संख्या मानी, हाँ तो 18 लिखो, अठारह लिखो, ब्रैकेट बंद करो इसको, बस देखो ये 18 है ना, ये 18 से कम है या ज्यादा, कितनी, तो माइनस एक लिखो यहाँ इसके नीचे, माइनस एक, ये 18 से ज्यादा है या कम, कम है या ज्यादा, 18 से कितनी ज्यादा है, प्लस एक लिखो, ज्यादा होगी तो प्लस, कम होगी तो, ये 18 से ज्यादा है ना, बात है नहीं, कितनी ज्यादा है, दो या तीन, तीन ज्यादा है, प्लस तीन करो, ये 18 से ज्यादा है या कम, कितना है, पांच ज्यादा, प्लस पांच करो, एक मिनट, अब इनमें देखो ये सभी को जोड़ के पांच, प्लस प्लस वाले जोड़ देंगे और माइनस वाले को घटा देंगे, कितना आएगा, नौ, नौ में से एक गया, आठ बचा, आठ किसका बचा, प्लस का, प्लस का आठ लिखो, कितनी संख्याएं थी, एक दो तीन चार, चार से इसमें भाग दो, कितना आएगा, कितना, बीस नहीं, दो बार, चार से दो, दो, हाँ चार,
दो आएगा ना, ये प्लस का है ना, प्लस करो इसको। संख्या क्या मानी थी अपन ने? 18। अगर प्लस आया है तो इसमें जोड़ देंगे, अगर ये माइनस आता तो इसमें से घटा देंगे। तो 18 में दो जोड़ेंगे कितना आएगा? 20 आएगा। इस बार मैंने 20 मान लिया, इससे आया नहीं है आंसर। इससे ना सर माइनस के दो आ गया। देखो सही का आ गया आंसर, इधर देखो संख्या मान रहा हूं मैं क्या, 20। संख्या कोई भी मानोगे कोई भी आएगा, संख्या देखो आंसर 20 ही है। हाँ अभी दूसरी संख्या मान लूंगा, डाउट आया है 20 पे, इस वजह से ये कितना कम है, -3। ओके ये -3 क्यों, -3 क्योंकि ये कम है 20 से इतना, और ये कितना -1, ये +1, ये +3। यहां से मेरे को बताओ ये माइनस माइनस -4 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा, देखेंगे अंतर क्या आएगा, 0। तो 0 कहीं बटेगा, कहीं नहीं, यानी जो संख्या मानी है भैया एवरेज है। ठीक है, फिर अगर कोई दूसरी संख्या बताओ क्या मान के करें, जल्दी बताओ दूसरी संख्या कितनी भाई, ऐसी संख्या माननी है जो इनके आसपास हो, आंसर 80 से भी आएगा। अपन को सरल करना है ना कि कठिन करना है, तुम यहाँ पे सॉल्यूशन सरल करने आ रहे हो। हाँ 23 आंसर, तो घर पे किसी से भी 100 से मानना, 1000 लिखना 1000, उससे भी सेम 20 ही आएगा, क्लियर। देखो 23 है, 23 से कितना कम है, ये कितना कम है, 6। ये कितना कम है, ये कितना कम है, ये कितना है, 0। देखो माइनस में कितना हो गया, ये सभी माइनस 12, यानी कितनी संख्याओं में बांटना है, 4 में, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -3 यानी 23 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 20। बताओ नहीं आया अभी भी, आ गया। दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए दूंगा, नहीं अभी नहीं, अभी आएंगे 3-3 की। इन्हीं का बताओ और सर, करो कोई भी संख्या मानना, कोई भी मान लो, कोई भी जो मन में आए। ये 85 नहीं है, 35 है। चेक करना पड़ेगा, 33 मेरे को मुश्किल लग रहा है, 4 33 तो सही होगा। अरे यार पॉइंट वाले के लिए बनाया था, क्लियर आ गया ये। मैं सोच रहा था यहाँ से पॉइंट निकलेगा। अभी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ये मैं सर ये चीजें घर पे सीखा करूं। देखो अगर घटाने में दिक्कत आ रही है ना, 20 मत मानो, इसे 30 मान लो, 30 मान लो। अब ये सभी संख्याओं के पास में हो गया, अब ये कितना कम हो गया, 30 से कितना कम है, 28 से, हाँ 30 है ये, 30 से ये 28 दिया है, कितना कम है, 2। तो -2 करो, 8 आ गया -2, और ये 30 है, 30 से अब ये 35 दिया, ये कितना ज़्यादा है, 5 करो प्लस का, ये कितना ज़्यादा है, 7, प्लस लिखो। हाँ बताओ क्या दिक्कत है, तुम बताओ तुमने क्या माना था, आगे
25 माना था, आ गया आ गया, कितना आया? ओके सही है, आ गया अनुज, कितना आया? हाँ पूजा आया आंसर, कितना आया, कितना माना था? 30 हाँ अभी चेक कर रहे हैं, एक मिनट, 7, 5, 12, 12, 4 हाँ 4 से 3 सही है। यहाँ मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, अगर ये साइन प्लस का आ रहा है तो प्लस लिखो, अगर माइनस का आ रहा है तो माइनस, अभी तो ठीक है कर रहे हैं, जब बाद में प्रॉब्लम आती है। कितना माना था? ये माइनस का लिख रहा है, देखो 25 माना है, 25 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 25, अरे 25 ज्यादा है ना, ये 25 से ज्यादा है, 25 से देखते हैं अपन, हाँ तो 25 से देखते हैं, 25 से छोटा है या ज्यादा है, कम है, ज्यादा है ना तो प्लस आएगा ना, प्लस लिखो उसको, प्लस, हाँ क्लियर, हाँ बिल्कुल, उससे भी होगा, उससे भी करते हैं अपन, आ गया 30, हाँ हाँ जी 3 प्लस था, प्लस करेंगे, 30 माना था, ये प्लस हो जाएगा 30, सही है। देखो इधर, इधर देखो, इधर क्या मान लें अपन इसको, कितना 30, देखो 29 मान लिया, कितना कम है, 1, ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4 गलत कैसे हो गया, ये 32, एक नहीं आएगा, ये 3 आएगा, क्लियर, कितना हुआ, 14 और 3 17 17 16 चार जोड़ दो इसमें, 33 आ गया आंसर। अब एक क्वेश्चन और करो बस, उसके बाद फिर तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दें। बताओ जल्दी औसत कितना होगा, पाँच सौ इकतालीस का औसत कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी के आसपास संख्या मान लो बस, हाँ अगर ये बड़ी संख्या दे दी है तो बड़ी संख्या मान लो कोई भी, औसत कोई भी संख्या मान लो, 530 मान लो या 540 मान लो या 535 मान लो या 545 मान लो, कुछ भी मान लो बस, अब देखो कितना ज्यादा कितना कम हो रहा है, कितना मानिए 530, हाँ तो ये कितनी ज्यादा है 530 से, एक तो प्लस एक करो, ये कितनी ज्यादा है, कितनी, हाँ तो प्लस 7 करो, ये कितनी ज्यादा है, ये 11 ज्यादा हो रही है, 11 ज्यादा हो रही है ना, तो ये कितना आएगा प्लस 11, और ये कितनी ज्यादा है, हाँ ये कितनी है, प्लस प्लस करो यहाँ पर 15, ये 15 ज्यादा है बस, इन सभी को देखो कितनी हो गई जोड़ कर, फिर उसके बाद देखो हाँ कितना आ रहा है, 538.5, हाँ पॉइंट वाला ही बना रहा था, अब बना है जाकर के पॉइंट, संदीप बन रहा है, इसमें थोड़ा क्या है, जिसका जोड़ घटाना सही होगा वो जल्दी कर लेता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस करना घर पर, हाँ कितना आया है, 538.5, हाँ कितना आया था यहाँ से, इन सभी को जोड़ के
34 आ रहा था, हाँ 34, ये प्लस लगाओ, प्लस का है ना, अब डिवाइड करो इसमें, 4 8 32 32, 4 से 8 बार पूरी बार कटेगा, हाँ देखो 32, हाँ 8 नहीं 8 लिखना है ना कि 32, 8 अब 32 बचा कितना है इसमें से, यहाँ से 2, तो पॉइंट 2 में पॉइंट लगा देंगे, वो 20 बन जाएगा, पॉइंट लगाओ यहाँ पर, उसके बाद 4 से 20 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 5 बार, 4 5 20, बस अब ये क्या है प्लस में थी ना, तो ये भी प्लस में होगा, तो जुड़ जाएगा, जोड़ दो, कितनी मानी है संख्या, 532, हाँ ठीक है चलो, जोड़ो अब इसे, प्लस माइनस को लगाया करो निशान, कितना 154 है, अरे इतनी कैलकुलेशन क्यों कर ली, अरे 500 माने किया है, मैंने 520 माने किया है, मैंने कहा है ना आसपास माना करो, जिससे कैलकुलेशन से बचने के लिए तो अपन कर ही रहे हैं सॉल्यूशन, सही, हाँ इसके बाद नहीं बनना है, हाँ ये आ गया 538, ये क्या था प्लस में आएगा ना सभी जगह, प्लस लगाओ इसे, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस में आएगा, ऐसे काट देंगे, अपन ने माना क्या था या इक्वल टू करके करना, क्योंकि काटने के बाद आया है ना, हाँ अपन ने इतना माना था, और प्लस का जी आ रहा है तो इसमें इसको जोड़ देंगे, अभी तक जो कर रहे थे अपन, जिस संख्या आ रही मानी थी उसमें जो आ रहा था कट के उसे जोड़ दे, जोड़ रहे थे अपन, नहीं बन रहा है, सही तो है ये, कितने तो इतना नहीं आएगा, 530 माना है अपन ने, 530 हाँ, तो 530 में ऐसे नहीं जुड़ता है, ऐसे नहीं जुड़ेगा, इधर देखो 530 में जहाँ से जुड़ेगा पॉइंट इसके बाद आएगा, तो कितना आएगा 538.5 ऐसे जुड़ता है, ठीक है, हाँ पूजा बताओ, चलो बताओ कौन सी संख्या माने, तुम लोग बताओ क्या माने, सभी का आ गया, करना नहीं है ना, चलो तीन संख्याएं दी हैं 24 24 24, दो संख्याएं दी हैं 31 31, उनका औसत पूछा है, क्या आएगा औसत बताओ जल्दी, इन्हीं तीन संख्याएं 24 दी हैं और कोई संख्याएं कितनी हैं 31, इन संख्याओं का औसत कितना आएगा बताओ, हाँ मान लो ऐसे कहेगा वो, तीन वस्तुएं 24 रुपए की दर से खरीद कर लाया है, दो वस्तुएं 31 रुपए की दर से खरीद कर लाया है, तो सभी वस्तुओं का औसत कितना होगा, क्लियर समझ में आया क्वेश्चन, यानी टोटल वस्तु कितनी ला रहा है वो, 5 5 का औसत जानना चाह रहा है वो, देखो कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन है मैं बता रहा हूं इधर देखो, हाँ देखो कितना बता रहा था वो, अभी तक दो संख्या दी है ना,
अपन हाँ देखते हैं, देखो दो संख्याओं पर क्या रहता है, इधर देखो सभी लोग बोर्ड पे अब लिखना बंद करो। दो संख्या है ना, अपन एक संख्या मानते थे सेम, इसमें भी मान लो एक संख्या कोई भी मानो, बताओ क्या माने, 20 मान ली, 20 से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अगर ये एक पे होती तो कोई दिक्कत नहीं, ये 4 कितने पे ज्यादा है, 3 पर, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 कितना हो जाएगा 12, क्लियर। ये कितनी ज्यादा है, 20 से कितनी ज्यादा है, 11, 2 पे ज्यादा, ये कितने पे ज्यादा है, 2 पे, तो ये कितना हो जाएगा 22, जोड़ो कितना आ रहा है, कितना 34, ये 34 कितने आंकड़ों पर है, 5 में बटेगा, 5 6 30 5 8, कितना माना था, प्लस आया है ना, तो प्लस कर दो 20 में, कितना आ जाएगा 26.8, इसको जोड़ेंगे यहाँ से, क्लियर, कितना आ जाएगा 26.8, समझ में आया क्वेश्चन, 6.1 कहाँ लिखा हुआ है, 8 है, ये आ गया ना यहाँ से, काटे काटा है अपन ने इस वजह से, देखो 34 को 5 से भाग देंगे, 5 से काटेंगे, पहले 6 बार में पूरा चला जाएगा, कितना बचेगा 30 चला जाएगा, बचेगा कितना 4, 4 5 से जाएगा नहीं, पॉइंट बढ़ा दे लगाएंगे यहाँ पर, या 0 बढ़ जाएगा, 5 से चला जाएगा 8 बार, 5 बार, क्लियर। तो वो अपन ने करना नहीं, अपन जितना सरल हो सके वो कर रहे हैं अपन, कितना 6.5 कहाँ पर, हाँ सेम संख्या मानी है, क्यों आ रहा है 6.8 तो आएगा, 5 से 8 को काटेंगे, 5 बार थोड़ी ना कटेगा, 8 बार में कटेगा ना, ये बता भी दिया है, देखो मैंने ये पहले 5 से काटेंगे अपन इसको, तो 6 बार कटेगा कितना 30 कट जाएगा, बचेगा कितना 4, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 से 8 बार कटेगा, क्लियर हुआ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको करके बताना। नौ वस्तुएं ₹51 की दर पर खरीदी गई, नौ नहीं करो इसको, रुको कम करो छोटा, तीन वस्तुएं ₹51 की दर पर खरीदी गई, चार वस्तुएं ₹55 की प्रति दर से खरीदी गई, और दो वस्तुएं ₹50 प्रति दर से खरीदी गई, तो उन वस्तुओं का औसत बताओ कितना होगा, उन वस्तुओं का औसत मान कितना होगा, उन वस्तुओं का औसत मान कितना होगा, जल्दी बताओ, फिर इसके बाद दो क्वेश्चन कराता हूँ। क्या माना था संख्या 50, नोट करो जल्दी, कितना 53 से कितना ज्यादा है या कम है, 53 आंसर आ रहा है, चलो चेक करेंगे, हाँ बताओ आंसर जल्दी करो, चेक करेंगे,
53.67 अनु ये इसको खोलना है, इसको विंडो को खोल दो, इसको इधर कर दो, खुला हुआ है बस। जैसे आ रहा हूँ ये, हाँ कितनी आई, करो कितना माना था, 53 50 माना था, ठीक है दो क्यों आएगा, 50 माना है ना, तो ये दो क्यों आएगा, 50 पे 50 ही है ना, 52.5। हाँ हाँ, कितना माना है अपन ने, 150 क्यों मान लिया, 50 मान लिया क्योंकि ये 50 55 और 50 है, 51 है सॉरी, तो इतना मानेंगे तो इनका डिफरेंस ज्यादा आएगा, आंसर आ जाएगा, डिफरेंस ज्यादा आएगा। अपन को ये सरल सरल करना है, तो अपन ऐसी संख्या मानते हैं जो इनके पास में दिख रही है, या तो 50 मान लो, 55 मान लो, 51 मान लो, या 52 मान लो, तो सरल रहेगा। तो क्या आएगा, एक एक दो दो संख्या आएगा उसमें, और ये अपन ने किया है तो इसमें से इसको देखेंगे कितना कम है, तो ये कितना हो जाएगा, 99 होगा, तो 99 में, हाँ 99, फिर से करो इसको। अपन क्या करेंगे, इन संख्याओं के आसपास वाली मानेंगे सदैव, गुणा कर दिया करो डायरेक्ट, ये एक एक मत लिखा करो, ठीक है, चार, ठीक है, अच्छा जो तुमने जोड़ के किया है वही काम, मैं क्या कह रहा हूँ, इससे करो, तो इससे करो, ये नियम देखो, अभी क्वेश्चन में सभी इसी से कराऊंगा, इस वही से कह रहा हूँ तुमसे, इससे करो, ये अजीब लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अपन, इस वही से जी तो इसको जीरो मानो बस, अगर ये नहीं आ रहा है तो 50 ही है, 50 जीरो बस। अब देखो इस जे 50 एक ज्यादा था ना, कितने पे, तीन पे, तो इसमें तीन का गुणा करो, तीन, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस तीन, प्लस लगाओ प्लस, ओके, ये कितने पे ज्यादा था, पाँच, अच्छा चार में गुणा, चार से कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 20, हाँ ये तो जीरो ही है, तो ये कुछ नहीं रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा, ये कितना है, ये कितना है, तीन, नहीं ये कितना है, जीरो है ना, बीस है ना, तो हाँ, तो अजय तीन है ना, तो कितना होगा, 23, कितनी संख्या है, तीन, दो, तीन और दो पांच और चार नौ, नौ से भाग दो इसमें, नौ एकम नौ, नौ दुनी 18, पांच दिखाओ बताओ, कितना माना था, संख्या कितनी मानी है, 53, कितनी कम है, ये दो, छः, सही है, ये कितना है, 53 यानी दो ज़्यादा, सही है, आठ, चार, सही है, हाँ, और ये कितना है, तीन, तीन किस पे, दो, दो दिया है, हाँ, छः, सही है, ये कितना है, नाइन, नौ, ठीक है, इसको काट दो, हाँ, 0 कुछ आएगा है ना, 0 क्या आएगा, 0.9872, नौ आठ, आठ आएगा, ठीक है, यानी 8 घटाएंगे अपन तो कितना आएगा, 52 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, है ना, सही है। चलो देखो इधर क्या माने बताओ, तुम लोग बताओ क्या माने, 50, देखो 50 मान लेते, और सदैव ऐसी संख्या माना करो इनके ही आसपास हो, ठीक है, जैसे ये 51 लिखाए थे, इसके आसपास 50 है, इसके आसपास 55 है, या 50 52 53 54, तो अपन को सरल लगेगा। 50 से ये कितना ज्यादा है, एक, कितनी संख्याओं पे, तीन पे, तो ये कितनी आएगा, थ्री, ये कितना ज्यादा है, फाइव, किस पे, फोर पे, 20, ये कितना है, जीरो, कोई मतलब ही नहीं, ऐड कर दो, 23, प्लस, प्लस या माइनस जरूर लगाना है, ये प्लस या माइनस अपन को इसमें हेल्प करता है, अगर प्लस आ रहा है तो प्लस करेंगे, माइनस आ रहा है तो माइनस करेंगे, ये प्लस का है, 23 आएगा, 25 क्यों लिखा, कितनी संख्या है, 9, कितना आएगा यहाँ से, 9 दुनी
18 कितना बचा? 5 5 बचा, 9 × 5 = 45 और ये चलता जाएगा 5.6। इसे क्या करना है? जोड़ना है, इसमें जोड़ दो। कहाँ से जुड़ेगा? यहाँ से 5.6, 52.56। बताओ यहाँ तक समझ में आया? अब दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ओपन कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नोट करना। हाँ ये बेसिक चल रहा था अभी तक, अब क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आते हैं, नोट करो इसे जल्दी पहले। हो गया तो क्वेश्चन लिखो। ये नहीं, वो पीडीएफ भेज नहीं पाएगी। रवि ने 2250 रुपए के रवि ने 2250, ठीक है ये लिखा है बोर्ड पे, रवि ने 2250 रुपए के औसत मूल्य से 5 साड़ियां खरीदी। रवि ने 2250 रुपए के औसत मूल्य से 5 साड़ियां खरीदी। यदि उसने तीन और साड़ियां 2750, ये लिखा है बोर्ड पे, यदि उसने तीन और साड़ियां 2750 रुपए के औसत मूल्य से खरीदी, यदि उसने तीन साड़ियां और 2750 रुपए के औसत मूल्य से खरीदी, तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य ज्ञात करें, तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य ज्ञात करें, तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य ज्ञात करें। बताओ कितना आएगा? ऑप्शन लिखना, ऑप्शन लिखो। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ पॉइंट में। ऑप्शन पहला है 2437.5, सेकंड है 2500, थर्ड है 2450 और फोर है 2325। जो तरीका भी अपन ने सीखा है बोर्ड पे लिखा है, सेम वही तरीका अप्लाई करना है। हाँ 2250 और 2750। कितने पे? 5 पे, ठीक है सही है। ये कितने पे? 3 पे, सही है। ये दोनों ज्यादा हो रहे हैं ना? हाँ ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। टोटल कितनी है थी? टोटल कितनी संख्याएं थी? 8, 5 और 3, 8। अच्छा हाँ, 8 से डिवाइड किया कितना आया? ओके ओके सही है, गुड सही। हाँ कितनी संख्या मानी? 2400 मानी। हाँ 2400 में से कितना कम है ये? 150। कितनी संख्याओं पे कम है? 5 पे, ये संख्याएं हैं, 5 साड़ियां लाया ना, तो एक साड़ी पे 150 रुपए कम है, तो 5 पे कितना कम होगा? यही तरीका तो कर रहे हैं अपन। 3 वस्तुएं खरीदता था, एक वस्तु पे 1 रुपए की कमी, तो 3 वस्तुओं पे 3 रुपए की कमी होगी ना। हाँ बोतल देना, बोतल उठा लो। वस्तु अपन ने कितने माना?
हाँ 2000 माना, ओके तो ये कितना ज्यादा हो रहा था? 250 ओके 250 कितने पे? 5 पे तो ठीक है। और ये कितना ज्यादा हो रहा है? 750 कितने पे? इतने पे ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किया अपन ने कितना आया? इतना आया। इसका मल्टीप्लाई किया अपन ने कितना आया? ये भी इतना आएगा, करके देखो। हाँ ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों को जोड़ दो। ये कितने पे आ रहा है? 5 और 3 8 पे, बस डिवाइड करो। जो भी आए यहाँ से प्लस लगाना है, इसमें प्लस है ना, तो बस उसमें जोड़ देना 2000 में, आंसर आ जाएगा। संख्या कितनी मानी थी? 2200 से, चलो 2200 से ये 50, ये क्या है? 5 पे, 5 ऊपर ले, कोई 5 साड़ियाँ लाया है इतने में जी। हाँ तो एक साड़ी अगर इतने की है तो 5 में कितना? अब ये कितना हो जाएगा? 25, 5 का गुणा करेंगे 25, एक जीरो लगाए तो जीरो लगा दो। ये कितना ज़्यादा है? 2200 से 2200 माना है ना, 2200 से कितना ज़्यादा है ये? क्यों नहीं आएगा? 2200 से देखो कितना ज्यादा है, 550 ज्यादा होगा। इसमें से इस संख्या में से 2200 को घटाओ पहले, तो आंसर आ जाएगा कितना ज्यादा है। इसमें से घटाओ 2200 को। हाँ पूजा बताओ कितनी संख्या मानी है? पहले मैंने 2150 मानी थी। हाँ उससे भी आएगा, कुछ भी संख्या मान लो जो मन में आ रहा है। अब 2200 मानी है, हाँ तो 2200 से ही नहीं आया, संख्या क्या है करो 2200। हाँ तो बस इसको 2200 से देखो कितना ज्यादा हो रही है। ये कितनी ज्यादा है 2200 से? 50, 50 ज्यादा है ना। 50 कितने पे ज्यादा आएगी? 5 पे, तो बस 50 में 5 का मल्टीप्लाई करो, हाँ 250 और के वहां से आ जाएगा। वो उसको देखो वो कितना कम हो रहा है। हेलो कुछ नहीं, अभी क्लास में उठू का भी बात कर रहा हूँ। ओके हो गया, आ गया। हाँ संदीप बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? तुम इधर बैठा करो संदीप, कॉर्नर पे बताओ संख्या कितनी मानी तुमने? ऐसे क्यों मान रहे हो? देखो ऐसे ही संख्या मानोगे ना, तुम्हें कैलकुलेशन में दिक्कत। जिस तरीका मैं सिखा रहा हूँ ना, क्यों सिखा रहा हूँ? तुम्हारी कैलकुलेशन से बचाने के लिए, और तुम उसी चीज को करेंगे तो क्या मतलब है इस तरीके का करना? फिर तो इसमें ही संख्या रखो और आंसर आएगा, समझ रहे हो? जे तरीका मैं शॉर्ट करने की सोच रहा हूँ, जितना ज्यादा शॉर्ट हो जाए वो अच्छा है तुम्हें। कुछ भी जीरो, अगर ये कितना दिया था देखो, ये कितना है 2250, और ये कितना है 2750, ये कितनी 5 थी, ये कितनी थी 2, या तो 2200 मान लो। अच्छा ये 3 था, हाँ 3 कर दो। देखो 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 इधर देखो, इसको ये 2200 है, ये 2700 है, 2500 मान लो, 2550 मान लो, 2300 मान लो, इनके बीच में मान लो कोई संख्या। अब 2249 मानने का क्या तरीका है? आंसर आएगा, इससे भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी तुम्हारी। इससे नहीं देखना है अपन को, इससे भी तो देखना है, इससे भी तो देखना है। तो ऐसी संख्या माना करो जीरो में कहीं भी, तो इसको मान लो अपन 2200 मान लेते हैं। चलो 2200 मान लें, 2200 से कितनी ज्यादा है? 50, 50 कितने पे ज्यादा है? 5 पे। ये 2200 से कितना ज्यादा है? 550 ज्यादा है। कितनी कितने पर ज्यादा है? 3 पर। ये कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? 1600। ओके ऐड कर दू, कितना आ जाएगा? 1917 और 2 1900। कितनी संख्याओं पे? 800। तो काट दो उसको, कितना आएगा? 8 × 8 8 × 16 कितने बचे? 3, जीरो लगा हुआ है। 8 × 8 8 × 16 8 × 3 24 कितना बचा? 6, जीरो लगा हुआ है। 8 × 7 56 कितना बचा? 4,
चार बचा है, पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ जाएगा, चार से कितनी बार पांच, प्लस में था ये, इसको जोड़ दो 2250 में कितना आ रहा है, दे दिया, बताओ क्या दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में। हाँ कैलकुलेशन लगी, आंसर आ जाएगा, वो पहले ही बोल चुका हूँ, कोई भी संख्या मान लेना तो आंसर आएगा, ये तरीका यही है। क्यों आंसर आता है पता है, औसत क्या था मैंने स्टार्ट में ही बताया था 15 और 20, इनका औसत क्या रहेगा 15। ये कुछ नहीं करता है, क्या करता है दोनों संख्याओं को एवरेज करता है, ये क्या हो रही है अभी संख्या ज्यादा है और ये क्या है कम है, ये क्या करेगा औसत ज्यादा वाले से उतनी संख्या ले लेगा जितनी इसको कमी होगी, तो इसकी कितनी की कमी है 15 बनाने के लिए इसको 5 की कमी है, तो इसमें से 5 ले लेगा, इसको लेके इसको दे देगा, बराबर हो गया, यही औसत रहता है बस। देखो अब क्वेश्चन समझना, यहां से रेशियो में कट जाएगा, उसे हटाओ रेशियो, इनको बनाओ, इनको बनाओ संख्याओं को, इधर देखो, इधर बोर्ड पे देखो सभी, अगर मैं 5 साड़ियों की जगह मैं इन साड़ियों को 50 बोलता और इन साड़ियों को 3 की जगह 30 बोलता तो आंसर मेरा क्या आता बताओ, सेम आता, हाँ क्या आता सेम आता, यहाँ पर 5 की जगह 50 यहाँ 3 करता, यहाँ भी 50 आता, यहाँ भी 0 आता, यहाँ भी 0 आता और क्या आता 0, कितना आएगा 0 ही आएगा यहाँ से, बताओ तो फिर क्या आएगा, सही आ रहा है, हाँ तो काटो इसको कितना आएगा यहाँ से, पॉइंट नहीं आएगा, वो दिक्कत कर रहा है, देखो क्या करेंगे 200 2037। हाँ देखो क्या करेंगे, जब भी कोई भी संख्या देगा उन संख्याओं को रेशियो में मानेंगे अपन बस, अगर वो कहे 75 साड़ियां खरीद कर लाया इतने में और 50 साड़ियां खरीद कर लाया इतने में, इसको सरल बनाने के लिए क्योंकि 75 से गुणा करना होगा, फिर यहाँ पे क्या 75 से करेंगे नहीं, 25 दिया 75 25 दुनी 50 50, अभी 3 से तो कट जाएगा, 3 से गुणा कर लेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ऐसा ही आने वाला है, लिखना एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं वाला बताओ, तो देखो एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा नहीं, तुमको खुद आंसर बताना है। अच्छा ये बताया था आपने, चलो ठीक है लिखो, अमित 1250 रुपए के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है, अमित 1250 रुपए, अमित 1250 रुपयों के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है, साड़ी नहीं शर्ट, कुछ भी लिख दो, अरे कुछ भी लिख दो अपने मन से, अमित 1250 रुपए के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है, यदि वह 1450 रुपए के औसत मूल्य से, यदि वह 1450 रुपए के औसत मूल्य से 2 शर्ट खरीदता तो खरीदे गए सभी पांचों, क्या हो गया, यदि वह 1450 रुपए के औसत मूल्य से 2 सेट खरीदता है, औसत मूल्य से 2 सेट खरीदता है तो खरीदे गए सभी सेटों का औसत मूल्य क्या होगा, तो खरीदे गए सभी सेटों का औसत मूल्य क्या होगा, तो खरीदे गए सभी सेटों का औसत मूल्य क्या होगा, तो खरीदे गए सभी शर्टों का औसत मूल्य क्या होगा, क्या इस रूल से किया है या वो गुणा वाले से, सही बताना, इसी से किया है ना, हाँ चलो देखो 1370 इसी वही से ये तरीका सिखाया है अपन ने, 1330 1310
1390। चार ऑप्शन है, बताओ कौन सा होगा। डी सभी का आना चाहिए, करो। हाँ बताओ कितना आया, करो जल्दी। किसको गलत आ रहा है? बारह सौ पचास है ना, गलत हो गया। कितना आएगा? 250 आएगा अंतर। हाँ बताओ कितना माना है? 1000 है तो ये 250 आएगा। कितनी संख्याएं दी? नहीं कुछ तो दिया होगा। नहीं नहीं कुछ दिया था। कितनी संख्याएं बोली थी? तीन ला रहा था, पहले तीन सेट खरीदी उसने। हाँ तीन और दो, तो इसको करो। नहीं हाँ तीन, हमें तीन सेट लिखा हुआ है, तीन सेट। ग्यारह सौ तो भी कितना आएगा, चार 900। ठीक है अब जो 900 मुझे 1650 तीन नहीं आएंगी, पांच आएगा, तीन और दो पांच। ऑप्शन सी 1310। कितनी संख्या मानी थी? 1200। कितना ज्यादा है ये? पांच। सही है सही है। यहाँ तक ये कितना ज्यादा हो रहा है? घटाओ 1400 इस, कितना 250 आएगा। इस संख्या जो बड़ी हुआ करे ना उसमें से इस संख्या को घटा दिया करो बस। ये कितनी? हाँ इस वाली से, बड़ी से, और ये छोटी वाली है उसमें से इसको घटा दो। क्लियर करो गुणा जल्दी। हाँ पूजा बताओ संख्या कितनी मानी थी? 1390। 1300 आंसर बी। 1300 मान गए हो ना, तो 1300 से ज्यादा या कम? ज्यादा ना, 50। ये 1350 दिख रही है, 1300 से ये कम है या ज्यादा? जब से स्टार्टिंग किया है मैं जी सिखा रहा हूँ, जी गलती हो रही है दो बार तुम्हारी। हाँ पूजा कितनी संख्या मानी थी? 1200। हाँ 1200 मानी है, कहाँ है? हाँ कोई भी संख्या मान लिया करो, वो तो कोई दिक्कत नहीं। ओके कितने पे? ओके 150। सही है। हाँ तो ये कितना ज्यादा हो रहा है? 1200। हाँ कितने पे? दो पे, तो 250। कितना? 500 होगा ये। ठीक है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 650 लिखो। 650 कितनी संख्या है टोटल? कितने पे? नहीं कितनी संख्या है ये? तीन और दो पांच। बस काटो इसको, अब इसमें जोड़ दो। 130 आ रहा है, कितना माना है अपन ने? 1200। तो 1200 में जोड़ो 130 को, कितना तो जोड़ो ना। तो बस दिख रहा है ऑप्शन, बस आंसर आ गया। अब इसमें क्या करना है? हाँ संदीप बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। संख्या कितनी मानी? 1200। कितना ज्यादा है? 50। कहाँ गया 50? कहाँ लिखा है तुमने? हाँ 50। एक संख्या पे 50 ज्यादा है, तीन दिए, तीन पे कितना ज्यादा हो जाएगा? इनको काटना नहीं है, नहीं रेशियो में, रेशियो में बोल रहा था। सारी है जैसे कि तीन तीन दिया है ना, तीन
और दो, अगर इसको रेशियो बनाना है ना कि उसको, पैसों को नहीं काटना है। ये कितना दिया था देखो, तीन साड़ियां कितने में खरीद के ला रहा है वो, तीन शर्ट कितने में 1250 और दो शर्ट कितने 1450। कितना माना है तुमने 1200 मान लिया। 1200 से ये कितना ज्यादा है कम है? इस संख्या को देखते हैं, इधर देखो, इस संख्या को देखते हैं, इस वाली से अपन जो संख्या मान रहे हैं ना उससे ज्यादा या कम कितनी है? तो ये ज्यादा हो रही है ना, 1200 से कितनी ज्यादा है 50। एक पर तीन पे कितनी 250 या 150, 1200 से कितना ज्यादा हो रहा है 250, कितना तो 500 प्लस का 500 कितना हो गया यहाँ से 650। कितनी संख्याओं पर है? साइन साथ में लेकर चलना, जिससे माइनस प्लस में दिक्कत नहीं आएगी बाद में लास्ट में। अगर प्लस आएगा तो जोड़ देंगे, माइनस का आएगा तो घटा देंगे। कितना है संख्या 5 कर दो, 5 5 3 15 130। क्या करेंगे? जोड़ेंगे किसमें? 1200 में। कितना हो गया 1330। कितना आया करो जल्दी भाई, इसको काट रहा था मैं इसको। अगर मैं इसमें भी बना दूंगा रेशियो, मैं कहूंगा 30 साड़ियां और 20 शर्ट खरीद कर लाया है, तो अपन इसको सॉर्ट करेंगे, तब इसका रेशियो निकालेंगे 30 शर्ट और 20 शर्ट का, तो ये 2 और 3 आएगा। क्लियर? आगे आने ही वाला है, वो एक क्वेश्चन रह गया, उसी को करा के क्लास खत्म करेंगे अपन। हाँ, वो रुपयों को नहीं काटना है अपन को। आ गया? हाँ हाँ हाँ, तो कटता। एक क्वेश्चन और लिखना। हाँ लिखो, आ गया क्वेश्चन। देखो, एक कक्षा में 39 एक कक्षा में 39 लड़कियों के औसत अंक 39 एक कक्षा में 39 लड़कियों के औसत अंक 113 औसत अंक हैं, जबकि उसी कक्षा के 26 लड़कों का औसत अंक 89 है, 26 लड़कों का औसत अंक 89 है, तो पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करें, एक बार और लिखो। एक कक्षा में 39 लड़कियों के औसत अंक 113 हैं, जबकि उसी कक्षा के 26 लड़कों का औसत अंक 89 है, पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात करें, पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात करें। ऑप्शन लिखना। बताओ, एक सौ दस। हाँ क्या? हाँ अभी बताया था, इधर देखो, देखो संख्याएं दी हो ना, तो मैंने क्या कहा था, रेशियो इनको काट लो, 13 2 26 13 3 39 बस। अब ये बन गया छोटी संख्या, अब गुणा कर लेना इसमें। एक ऐसी संख्या मानो जो 113 और 89 के पास में हो। 103.4 सीखने लगे अनुजी अब मैं, तो 103.4 सही आया है राइट आंसर। हाँ करो, कोई एक संख्या मानो इनके आसपास, इन दोनों के आसपास। संख्या क्या मानी? 100। ओके, हाँ कितना ज्यादा है 100 से 113, 13 ज्यादा है, और वो कितना कम है 11। हाँ संख्याएं कितनी थी,
13 पे कितने में गुणा करेंगे? 3। गुड गुड, सही चल रहे हो बिल्कुल। हाँ बताओ कितना माना है? ठीक है सही माना है। ओके सही माना है। ओके एक मिनट देखते हैं इसमें से घटाएंगे। ठीक है 17। हाँ सही है तो 103.4। हाँ पॉइंट लगाना है यहाँ पर। सही है, संख्या कितनी मानी थी? 113। सही है 13 39 22। सही है डायरेक्ट घटा दिया। ओके 17 5 5 3 15 4 20। गुड, ऐसे ही सोचना, स्टेप घटा घटा के चलते जाओ। हाँ सही है। अरे ये तो ठीक है, इसमें से 100 में से घटाएंगे, 100 माना है ना, 100 में से इसको घटाओ। हाँ 11 लिखो, अभी नहीं, ये माइनस का है प्लस का? हाँ बस अब करो इसको, ये कितना हो जाएगा? 39 प्लस का, ये माइनस का, बस इन दोनों को जोड़ो, क्या आएगा? जोड़ना है या घटाएगा? प्लस का है माइनस का है, घटेगा ना, घटाओ। आ गया, तुमसे कितनी बार कह रहा हूँ, एक बात को मैं 1000 बार बोलूंगा, ये साइनों को साथ में लेके चलो, प्लस का आ रहा है तो प्लस को लो, माइनस आ रहा है तो माइनस लो, प्लस और माइनस ले लिया, अब क्या करेंगे? जोड़ो घटाओ। ये क्या आ रहा है? ये किसका आया था? ये प्लस का आएगा 100 से। हाँ तो बस, तो अब करो उसको सही, उसमें से घटाओ उसको। हाँ सही है, सही। देखो साइनों को यहाँ भी लिखा करो, ये किसका था? प्लस का था ना, 39 प्लस, ये माइनस, जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। देखो अभी नहीं दोगे ना तुम ध्यान, ये माइनस प्लस अभी लग रहा है आ रहा है, कुछ समय बाद ये माइनस प्लस इतना कंफ्यूज करेगा अगर तुम नोट नहीं करोगे इसको, तो फिर यही समझ में नहीं आएगा इसमें से जोड़ा क्यों गया था, घटाया क्यों गया था। जहां से मैं क्लियर बता रहा हूँ, अगर प्लस आ रहा है तो जोड़ देंगे और माइनस आएगा अगर तो घटा देंगे, तो साइनों को साथ लेके चलना है, यहीं से अपन को पता चलेगा साइन से, क्वेश्चन में जोड़ना है या घटाना है। ओके आज रीडिंग में नया करवाने की सोचते हैं बिल्कुल, रोको अभी तुम्हें दो क्वेश्चन कराना है बस, उसके बाद करते हैं आज स्टार्ट न्यू टॉपिक। हुआ ये क्वेश्चन कितना आ गया? हाँ सही आया। हाँ जोड़ना है उसको ना कि घटाना है, प्लस का आएगा माइनस का, ये प्लस की संख्या बड़ी थी और ये माइनस की छोटी, तो ये प्लस का आएगा ना कि माइनस का, प्लस। हाँ तो ये इसमें जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा? अब जोड़ो इसको 100। हाँ बस जोड़ो इसको, देख गया ऑप्शन कोई क्लियर आ गया? अब तो नहीं कराना इसको, सभी का आ गया, संदीप तुम्हारा हो गया क्लियर? चलो आओ। हाँ वो बताओ मेरे को क्या चल रहा था घनाब में, इसके आगे के कल क्वेश्चन करेंगे अपन। CHSL। हाँ बढ़िया, तुम भी भर देना CHSL का। अरे नहीं भरा जाएगा, एज 18 नहीं है ना, नहीं भरा जाएगा। अभी नेवी एवी की शायद चल रही है, उसमें दो, उसमें देखना कि कितनी एज मानी है, मांगी है नेवी वाले में तुम्हारी एज। हाँ दो हैं, दो चल रही है उसमें अभी, तो दोनों की लास्ट डेट अभी 19 से 20 तारीख तक है। आज कितनी है? 29 या 30 तारीख है उसमें लास्ट, तो भर जाएगा। हाँ बताओ घनाम में कहाँ चल रहे थे अपन? देखो घनाब का दो क्वेश्चन कराना है बस आज मेरे को। हाँ हाँ तो है नहीं, तो बस बिल्कुल SSC का ग्वालियर ही आएगा, बाहर नहीं जाता है।
हाँ जी बताओ, मैंने एक एक घना वाला करा दिया था ना, जिसमें एक एक्स एन का मान बनाता था, है ना, उस पर आज क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी करके इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो एक घना में जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, इसमें से तीन तीन सेंटीमीटर के घन काटे गए हैं, तो बताओ टोटल घन कितने बनेंगे छोटे वाले, ऐसे घन कितने बनेंगे जिनकी चार सतह लाल होंगी, ऐसे घन कितने बनेंगे जिनके तीन सतह लाल होंगे, लाल नहीं कलरफुल हो, घन ये घनाव है, घनाव से कटेंगे घन, जल्दी जल्दी बताओ, इसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पर एक क्वेश्चन और दूं इसी में, पहले इसे करो उसके बाद देखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे और। हाँ बताओ कितना आएगा, चार, इसका चार टोटल, देखो क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है युवराज, इधर क्वेश्चन पे ध्यान दो, एक घना है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, इसमें से तीन तीन सेंटीमीटर के घन काटे गए हैं, तो उसने पूछा है घन, टोटल घनों की संख्या कितनी होगी, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी चार सतह लाल होंगी, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी तीन सतह, दो सतह, एक सतह और जीरो, जल्दी बताओ, लास्ट टाइम कराया है ये क्वेश्चन मैंने, बीस। हाँ और आगे बताओ, तीन का आठ कैसे, देखो यहां से एक एन का मान आया है वन, टू एन का मान कितना आया है चार, और थ्री एन का मान कितना आया है पांच, यही है अपन ने क्या बनाए थे, ऐसा एक घना बनाया था, बनाया था, देखो इसमें लंबाई इसकी मान ली अपन ने कितनी तीन, और इसको मान लिया है अपन ने चार, और इसको मान लिया है पांच, क्या चार का अभी बता रहा हूँ ना, चार का क्यों नहीं बताया होगा, देखो अरे लास्ट टाइम बताया है, मैं तो कह रहा हूँ अभी रुको, इसको मैपिंग को समझो फिर अभी बताना, देखना। हाँ अपन को इसको पांच पार्ट में काटना है, कितने कट लगाएंगे चार, एक दो तीन चार, क्लियर, इसको एक पार्ट में काटना है कितने कट लगाएंगे, एक भी नहीं, इसको चार पार्ट में बांटना है कितने कट लगाएंगे तीन, एक दो भैया तीन, क्लियर, बताओ ये लास्ट वाला क्वेश्चन समझाया था या नहीं, यहां से पूरा लगेगा, ये घन निकलेगा इसकी कितनी सतह लाल होंगी, तीन, लास्ट टाइम बताया है, बताया था, आया था ना, तो अभी तो तुम कह रहे थे चार सतह वाला बताया नहीं, फॉर्मूला नहीं लिखवाया है, तो ऐसे बताओ इसमें से कितने घन निकलेंगे जिनकी चार सतह लाल होंगी, ओनली चार ही तो कॉर्नर है, चार ही तो आएंगे, अच्छा टोटल कैसे निकालेंगे, हाँ हाँ तो कितना हो जाएगा, कितना 20 टोटल 20, इसमें से मेरे को ये बताओ आप लोग, इसमें से मेरे को ये बताओ कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह लाल होंगी,
नहीं पहले तो ये बताओ ऐसे कितने गन्ने निकलेंगे इसमें से, इधर देखो इस घना में से कितने गन्ने निकलेंगे जिनकी सतह जीरो कलर होंगी, मतलब एक भी सतह कलर नहीं होगी, ऐसा हो सकता है? अगर ये घना को मैंने रंग दिया है लाल कलर से और इसको इस तरीके से काटा है, इसमें से ऐसा कोई घन निकलेगा जिसकी एक भी सतह लाल नहीं हो? सभी घन पे लाल ना कहीं आएगा, तो यानी इसका जीरो का मान जीरो होगा। ऐसे एक भी घन नहीं बनेंगे जिनकी सतह कलर लेस हो। ऐसे घनों की संख्या बताओ जिसमें से एक सतह लाल हो, क्या ऐसा कोई भी घन निकलेगा जिसकी एक सतह लाल होती है? क्यों निकलेगा, क्यों निकलेगा? ये ऊपर से काटा जाएगा इसकी नीचे वाली भी सतह लाल होगी, तो ये क्या हो गया? जीरो। यहां से देखो, यहां से स्टार लगाना इस पर। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक एन का मान बन दिया हो और तीन सतह वाला पूछेगा, तो अपन दो सतह वाला पहले निकालते हैं। दो सतह वाला कैसे निकालेंगे? एन माइनस टू, एन माइनस टू, ये कितना आ जाएगा? यहीं पे कर दो, एन माइनस वन, वन नहीं टू करना, और टू, और एन माइनस थ्री माइनस टू। यहाँ पर कुछ भी एन वन एन टू क्या रहेगा, यहाँ पर एन वन एन टू लो जैसे क्लियर करो। एन वन एन टू क्या रहेगा? जो वन ना दिया हो, वन वाले को छोड़ के उसमें लेना है, तो ये कितना आ जाएगा? दो, और ये कितना आ जाएगा? तीन। कितना आ गया यहाँ से? छः, छः और चार, छः और चार, हाँ दस। दस ऐसे गन है जिसमें से दो कलर वाले गन छः हैं और जिनकी चार सतह चार कलर हैं वो चार हैं। टोटल कितने थे अपने पास? बीस। बीस में से दस गया, कितना आ जाएगा? दस। कौन से गन आ गए जिनकी तीन सतह लाल? बताओ, कोई दिक्कत आई इसमें समझने में तो पूछो अभी जल्दी, और नहीं आई तो नोट करो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ सेम ऐसा ही, जल्दी से थोड़ा फास्ट। नहीं आएगा, नहीं आएगा अभी, क्योंकि ये निकल चुका है। क्या क्वेश्चन लिखो? एक घनाभ, नहीं मैं बोल इस क्वेश्चन को बोलूँ ना, अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना किस तरीके से आएगा, बता रहा हूँ। एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी इतनी है, इसमें से तीन तीन सेंटीमीटर वाले घन काटे गए हैं, तो उसमें से टोटल घन कितने होंगे? चार सतह वाले, तीन सतह वाले, ऐसा क्वेश्चन आएगा। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, और उस क्वेश्चन के करने के बाद हाँ लिखो। दो सेंटीमीटर, छह सेंटीमीटर और दस सेंटीमीटर, दो दो सेंटीमीटर का वाले घन काटे गए हैं, तो इसमें से सभी बताना है। टोटल बताओ पहले, तो टोटल चार, तीन सतह वाले, दो सतह वाले, एक सतह वाला और जीरो सतह। जीरो और एक तो जीरो ही रहेगा। तीन सतह वाले, दो सतह वाले, चार सतह वाले और टोटल बताओ जल्दी कितना आएगा? नहीं आ रहा है समझ में, क्यों नहीं आ रहा है? तुम तो डेली आ रहे हो, फिर समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा आए नहीं थे इसमें, अच्छा अच्छा थोड़ा जल्दी करो। तीन सतह वाले आठ, कितने? आठ। चार सतह वाले चार, टोटल बताओ पहले, तो टोटल कितना आएगा? देखो एक, तीन, पांच, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया करो, टोटल कितने आ गए? पंद्रह। चार सतह वाले चार ही आएंगे सदैव। दो सतह वाले के लिए फॉर्मूला बता दिया है, वन वाले को छोड़ दो, इसमें से दो घटाओ एक, इसमें से दो घटाओ तीन, गुणा कर दो दोनों का, कितना आ जाएगा? यहाँ कितना आएगा? वन, यहाँ आएगा थ्री, जोड़ दो तीन, तीन और चार सात, सात आठ में से सात, सात गया आठ आ जाएगा, पंद्रह में से। बताओ क्लियर? हाँ कौन सा? दो वाला, हाँ दो वाला तय करना है। अगर एक एक्स एक्स एन का मान वन है उसको छोड़ देना है, इन दोनों में से ये फॉर्मूला लगाना है, एन माइनस टू और एन टू, बस यहाँ पर रखना है। क्लियर आ गया? एक टाइप और रह गया इसमें, बस उसका एक क्वेश्चन और कराता हूँ, आज हो ही नहीं पाएगा, ऐसा लग रहा है।
देखो ये टाइप कभी आज तक पूछे नहीं गए हैं, बट आगे आ सकते हैं, इस वजह से अपन करा रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग अपन को एक बार पढ़नी है बस। एक बार पढ़ने के बाद कभी रीजनिंग को दोबारा हाथ नहीं लगाना है बस। फिर तो टेस्ट ही देते रहो और रीजनिंग अच्छी बनी रहेगी। देखो यदि क्वेश्चन ये होता, क्वेश्चन देते हैं बुक का, इसका आंसर देना सभी लोग, कोशिश करना क्या आएगा। देखो एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 15 है, इसमें से 3-3 सेंटीमीटर के घन काटे गए हैं। इसमें से 3-3 सेंटीमीटर के घन काटे गए हैं, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कॉर्नर वाले घन कितने निकलेंगे, यानी टोटल कितने आएंगे, ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे, टोटल 5 आएंगे। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 4 सतह कलरफुल होंगी, 3 सतह, 2 सतह, 1 सतह और 0 सतह, इसमें 5 भी आता है शायद। हाँ इसमें 5 और करना है, याद था मेरे को 5 आता है इसमें। 5 सतह वाले कितने होंगे और 4 सतह वाले टोटल बताओ क्या, टोटल 5, 5 सतह वाले। अगर मैं तुमसे इसकी बोलूं तो 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, अगर इसका मैपिंग बनाने के लिए बोलूं तो क्या बनाओगे, देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इस तरीके से मान लेंगे अपन। इसको एक भाग में काटना है तो कितने कट लगेंगे, एक भी नहीं। इसको एक भाग में काटना है कितने कट लगेंगे, एक भी नहीं। थोड़ा मैपिंग सही नहीं बन पा रहा है। हाँ इसमें कितने कट लगेंगे, एक भाग में काटने के लिए 0, इसको कितने भाग में काटना था, 5, तो कितने कट लगेंगे, 4, 1, 2, 3, 4 बताओ क्लियर। हाँ जी ऐसे में भी जाएगा, कट लग जाएगी ऐसे बस। अब बताओ ऐसे कितने घन हैं जिनकी टोटल कितने घन निकलेंगे, 5, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी 5 सतह कलरफुल होंगी। इस वाले घन को उठाओ और इसकी मेरे को सतह बताओ कितने कलरफुल होंगी, कितनी सतह कलर होंगी, इसकी कितनी सतह कलर होंगे, देखो 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, एक नीचे से सतह लाल होगी, एक पीछे से सतह लाल होगी, क्लियर। तो इसमें 5 सतह कलरफुल होंगे, हाँ 5-5 नहीं, कॉर्नर वाला कितने आते हैं, 4 आते हैं, क्लियर। ऐसा कोई भी घनाभ दिख रहा है जिसकी एक भी सतह कलरफुल ना हो, 0-0। ऐसे कोई घन दिख रहे हैं जिसमें से 2 सतह लाल हो या कोई कलरफुल हो, 2 की इसमें से काटने पर 0, काई का 3 ये आएगा, इसकी 2 नहीं है, इसकी 4 सतह लाल होंगी, एक नीचे और एक साइड में और 2 ये, इसका भी 3 का भी 0 आएगा। 4 वाले का बताओ कितने आएंगे, कितना, 1। कैसे, टोटल में से इसको माइनस करूं, 1। ये यहाँ तक ये क्वेश्चन था, चैप्टर था, यहाँ पे ही
टॉपिक खत्म होता है। क्लियर। अब इसके बाद करते हैं अपन, देखो तो तुम्हारा रीजनिंग लगभग पूरा हो गया है, लास्ट रह गया है। अब आता है कथन निष्कर्ष वाले पार्ट को उठाते हैं अपन आज से। कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष में अपन को चार टॉपिक पढ़ना है इसमें। वो नहीं, वो सिलोजिस में कहलाता है, सिलोज कुत्ता बिल्ली वाला था कथन निष्कर्ष। हाँ उसमें भी रहता है, हाँ उसमें भी रहता है, लेकिन ये पूर्व धारणाएं वाले हैं, स्टेटमेंट वाले, असेप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसमें क्या रहेगा। देखो ये कोई जानकारी देगा, वो उसे वो कथन बोलेगा, फिर निष्कर्ष देगा वो, और इनमें से पूछेगा इस कथन के द्वारा, इस कथन में दिए गए निर्णय को पढ़ें और इनके द्वारा जो निष्कर्ष दिए गए हैं इनमें से कौन सा निष्कर्ष सत्य होगा। आते हैं रेलवे में 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं ये, तो देखो इनको कैसे करते हैं अपन। एक या दो क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं आज। उसके घर पे एक दो प्रैक्टिस और करता है, इस वाले पे लास्ट वाले पे एक ही क्वेश्चन कराया है। ऐसी संख्या लेना जिनमें दो एन बनवाना है। क्या रह गया बताओ, पजल को छोड़ के क्या रह गया है, क्या नॉन वर्बल रह गई है अभी। नॉन वर्बल कुछ नहीं है, 5 दिन 6 दिन में करा दूंगा पूरी। पानी और वो पढ़ाना है बस तुम्हें, दर्पण, और वो मैं आधा कॉन्सेप्ट एक दिन दे दिया है क्लास में ABCD लिखकर। हाँ क्या कर रहा था मैं, कथन और पूर्व धारणा, क्या रीजनिंग, हाँ होगी ना। स्पेलिंग गलत हो तो थोड़ा मैनेज करना। हाँ सारे करा दिए हैं, उसमें से देख लेना। हाँ तो अपन ने 28 करा देंगे अपन, मैं गिनवा दूंगा एक दिन, कम से कम मैं 35 क्वेश्चन के 35-32 टॉपिक के आसपास कराता हूँ, गिनवा दूंगा मैं। तुम 32-28 बोल रहे हो, 35 से भी ऊपर निकलवा दूंगा मैं अगर एक टॉपिक में, जिस तरीके से बुक में दिया रहता है ना अल्फाबेट, मैंने ओनली अल्फाबेट को अल्फाबेट ही किया है, उसमें वो कम से कम 6-7 टॉपिक बनाएगा, इसमें से कोडिंग बनाएगा, सीरीज बनाएगा और पता नहीं क्या क्या इसमें से। तो मैंने ये ऐसी अगर बुक के तरीके से गिनोगे ना काफी गिनवा दूंगा। देखो ये क्या रहता है, कथन और पूर्व धारणा है, कथन और पूर्व धारणा है। देखो कथन होता है कथन और निष्कर्ष, यानी कथन जो भी होगा दिया होगा उसको अपन को 100% सत्य मान के चलना है, ठीक है, कुछ भी दिया हो। उसके बाद पूर्व धारणा है, यानी अब उसकी पूर्व धारणा है, देखना है उसमें से निकालना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। क्लियर। पूर्व धारणा है क्या कहलाता है, पूर्व धारणा है एक संभावना है, पूर्व धारणा है क्या है, संभावना। और निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या रहता है, निष्कर्ष एक 100% ट्रू, और संभावना यानी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी 50% रहती है। पॉसिबिलिटी यानी अपन आज कहें कोई भी काम असंभव नहीं है,
नहीं है ना, सब कुछ संभव है ना। तो इस वजह से असंभव को क्या, असंभव को अपन किस में ले जाते हैं, पूर्व धारणा में, और जो बात 100% ट्रू है वो किस में चली जाती है, स्टेटमेंट में यानी कथन में। तो इसको बोलेंगे अपन 100% ट्रू, और इसको लेस देन 100% ट्रू। अगर कथन दिया है, पूर्व धारणा पूछ रहा है, और कहने का मतलब है कि पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी तो किसी की भी हो सकती है। मैंने मान लिया मेरे पास 5 मार्कर हैं, उनमें से कुछ लाल हैं, और मैंने कहा नहीं मेरे पास 5 मार्कर हैं, उनमें से मैंने बोला मेरे पास उनमें से 2 मार्कर काले हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा उनमें से लाल मार्कर होने की प्रायिकता कितनी होगी, प्रायिकता होगी या नहीं होगी, हो सकती, क्यों नहीं हो सकती है, हो सकती है, प्रोबेबिलिटी यही तो कहलाती है। मेरे पास 5 मार्कर है, मैंने कहा उनमें से 2 काली हैं, उनमें से लाल जो भी बचे हैं उनमें से लाल होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो यही पूर्व धारणा कहलाता है। अगर पूर्व धारणा ऐसे ही रहा तो सब कुछ पॉसिबिलिटी रहती है, सारे ही क्वेश्चन सत्य माने जाते हैं इसके, पर ऐसा नहीं होगा। पूर्व धारणा 2 जगह गलत होता है, एक जगह कथन का विरोध कर रहा हो, एक जगह कथन का जब विरोध कर रहा हो, यदि मान लो उसने कहा एक पुलिस वाला व्यक्ति है, पुलिस वाले को अपन चोर बना सकते हैं कभी, रियल लाइफ से कनेक्ट करना ना कि वैसे, नहीं करेंगे ना। तो ये तो एक विरोध कर रहा है, अगर वो बोलेगा कि एक पुलिस वाला चोरी करता है, यानी पुलिस वाला तो भाई क्यों चोरी करेगा, पुलिस वाला ही व्यक्ति चोरी करेगा, तो ये विरोध कर रहा है क्या, करते हैं वो अपवाद नाम का एक वर्ड सुना है, अपवाद, वो अपवाद में आ जाते हैं, अपवाद, एक्सेप्शन नहीं है ये, शायद लिखा भी है, स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, इसे आएगी नहीं, ऐसे ही आएगी। दूसरा रहेगा इलॉजिकल, यानी उसका कथन से कोई भी वास्ता नहीं होगा, तो वो इन 2 जगह पर ये गलत होगा, बाकी सभी जगह पूर्व धारणा है सत्य होंगी। कौन कौन सी जगह पर गलत होगा, एक जब कथन का विरोध करेगा, और दूसरी जगह इलॉजिकल, यानी कोई भी वास्ता नहीं रखता होगा कथन से। एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, लिखो, साइड टेस्ट में कराया था, आंसर देने की कोशिश करना सभी। देखो, एक कार की सड़क दुर्घटना हुई, एक कार की सड़क दुर्घटना हुई और पेड़ से जाकर टकराई, एक कार की सड़क दुर्घटना हुई और पेड़ से जाकर टकराई। अगली लाइन से लिखना, सड़क अच्छी नहीं थी, सड़क अच्छी नहीं थी, कॉमा ड्राइवर काफी कुशल था, ड्राइवर काफी कुशल था, वह पिछले 15 सालों से कार चला रहा था, अब लिखो, पूर्व धारणा लिखना। नंबर एक, दुर्घटना ड्राइवर की वजह से हुई, पूर्व धारणा 2 लिखना, कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी,
यांत्रिक खराबी थी, कार में कुछ यांत्रिक खराबी थी, बताओ क्या आंसर होगा? सेकंड वाला। लॉजिक बताओ। देखो उसने, दोनों गलत है। देखो पहले में कथन क्या बोला है उसने, एक कार की सड़क दुर्घटना हुई और कार पेड़ से जाकर टकरा गई। ड्राइवर काफी कुशल था जो 15 सालों से कार चला रहा है, यानी बहुत एक्सपीरियंस है, और उसने कुशल बोल दिया है। कहने का मतलब ये है ड्राइवर कभी भी एक्सीडेंट नहीं करेगा, कहने का मतलब उसका ये है कथन के निर्णय। उसके अपन पूर्व धारणा पर आते हैं। पहला पूर्व धारणा क्या बोला है उसने, दुर्घटना ड्राइवर की वजह से हुई। अपने निष्कर्ष का विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? क्यों कर रहा है विरोध? क्योंकि निष्कर्ष कथन में दे दिया है उसने, ड्राइवर काफी कुशल है, वो पिछले पंद्रह सालों से कार चला रहा है, और ये कह रहा है अपना पूर्व धारणा कि ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया ड्राइवर की वजह से। क्या कभी होगा ऐसा? नहीं होगा ना, क्योंकि वो पहले ही बोल चुका है कथन में कि ड्राइवर काफी कुशल है, 15 सालों से चला रहा है, तो ड्राइवर की वजह से एक्सीडेंट नहीं होगा। नंबर दो पर आते हैं, बताओ दूसरे पे क्या कह रहा है। हाँ बिल्कुल, कार में कुछ यांत्रिक खराबी हो सकती है। देखो विरोध तो कर नहीं रहा है, इलॉजिकल है क्या? इलॉजिकल भी नहीं है, क्योंकि कार के बारे में ही बता रहा है वो। इलॉजिकल कब होता है? जब कार से कोई भी संबंधित नहीं रखता एक्सीडेंट और कार से। वो कह रहा है कार में कुछ खराबी हो सकती है, बिल्कुल यांत्रिक खराबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ओके तो कौन सा सत्य होगा? नंबर दो। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, इस नोट को जरूर लिख लेना, विरोध करेगा और इलॉजिकल रहेगा तभी गलत माना जाएगा, अन्यथा पूर्व धारणाएं सभी सत्य मानी जाएंगी। इलॉजिकल यानी कोई भी वास्ता नहीं हुआ इससे, कोई लॉजिक नहीं निकल रहा होगा, इस कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। देखो सरकार ने देश के कथन लिखना, कथन करके लिखना इसको। हाँ कथन दो, पहला वाला कथन हो गया। इसमें अरे भाई एक्सीडेंट हो रहा है ना, तो यांत्रिक खराबी के कारण, यांत्रिक खराबी के कारण एक्सीडेंट ही होगा। यांत्रिक यानी कार में कुछ खराबी हो तो उसके कारण, उसके कारण तो कार की भाई, कार की ही तो बोल रहा है यांत्रिक खराबी के कारण, यानी कार से ही तो बोल रहा है कनेक्टेड। क्लियर? देखो वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सही लॉजिक है। देखो सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की है। हाँ अनाउंसमेंट किया है। लिखो पूर्व धारणाएं करके। नंबर एक, इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। निधि यानी धन कर देना ब्रैकेट में। नंबर दो, हो सकता है इन कार्यक्रमों के कारण
हो सकता है इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम एक बार का खाना मिल जाए कम से कम एक बार का खाना मिल जाए कम से कम एक बार का खाना मिल जाए बताओ। देखो जी, ऐसे टॉपिक हैं, इसमें मैं ओनली आपको बता सकता हूं, इसमें ओनली दिमाग तुम्हारा ही चलेगा। इसी वजह से इन टॉपिकों को पूरी रीजनिंग के बाद में पढ़ाया जाता है, क्योंकि जितनी भी रीजनिंग है उसे पढ़ने के बाद अपना दिमाग खुल जाए, उसके बाद यहाँ पर अपन दिमाग चलाने लगो। दोनों सही और दोनों गलत, क्या रियल लाइफ से? अच्छा, देखो संदीप, पहला क्वेश्चन क्यों गलत बता रहे हो तुम? लेकिन उसने कथन में बोल दिया है कि सरकार ने कार्यक्रम रख दिया है, कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है, कर दी है ना, तो यानी कर दी है घोषणा, तो उसने घोषणा कर दी है, यानी अब ये बैठक होगी ही, ये कार्यक्रम होगा ही। हाँ, लेट होगा भले होगा, तो अब आते हैं अपन पूर्व धारणाओं पर। देखो क्या कह रहा है, पहले हाँ भैया, नहीं नहीं अभी नहीं, बस 5 मिनट से छोड़ रहे हैं। ओके ओके, 5 मिनट बस। ओके ब्रो, आए हुए हैं तुम्हारे, ठीक है, अभी 5 मिनट से छोड़ ही रहे हैं, वेट कर रहे हैं। हाँ, अब रुको, देखो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसमें क्या करना चाहिए। देखो भंडारा अंदर हटाओ, देखो हाँ, सबसे पहली बात, इन क्वेश्चनों पे इसमें 3 या 4 टॉपिक हैं, इसमें तुम्हारा ही खुद का दिमाग लगाना है, तो क्वेश्चन को जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतना ही जल्दी सॉल्व होगा। अब पहला बताओ क्वेश्चन कथन क्या कह रहा है। सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्र, यानी ऐसे जगह पर जहाँ यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, वहां पर एक कार्यक्रम रखने की घोषणा की। हाँ, उसमें क्या कहा उसने? नहीं नहीं, हाँ, और हाँ, क्षेत्रों में यदि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उन्होंने एक घोषणा रखी है, उसमें क्या कहा है उसने? जिन एरियाओं में, हाँ, इस एरिया में सूखा पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा है तो भुखमरी सी फैल जाती है, तो उन्होंने कहा है तुम काम ज्यादा करो, तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था हम करेंगे, बस तुम काम करो और खाने की व्यवस्था हम करेंगे। तो ये ठीक है, सरकार का अच्छा है, जनता के लिए भी प्रॉफिट है और सरकार के लिए भी प्रॉफिट है। आओ पूर्व धारणा क्या, अरे कनेक्ट मत करो अभी एक दूसरे से, अभी इसी को समझो। हाँ, फिर आते हैं पूर्व धारणा पर, पहले में आओ। देखो एक कार्यक्रम को चलाने के, इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास धन है, बिल्कुल सत्य बात है। विरोध क्यों कर रहा है, कहीं विरोध नहीं कर रहा है। सरकार के पास धन होगा तभी तो वो बैठक को करेगी, अगर वो उसके पास धन नहीं होता तो वो सूखा प्रभावित के बारे में क्यों सोचती। तो यानी पहला राइट, दूसरा बताओ क्या कह रहा है। बिल्कुल सही, ये भी सही है, हो सकता है कम से कम सूखा प्रभावित क्षेत्रों को कम से कम एक समय का खाना मिल जाए। सही है, अगर ये कार्यक्रम हुआ तो एक समय का खाना तो इनको निश्चित ही मिल जाएगा। क्लियर, दोनों ही सत्य है। हाँ, अनुसरण नहीं आएगा इसमें, आता है नहीं, सत्य भी नहीं आएगा, अनुसरण नहीं, सत्य नहीं, पूर्व धारणा है नहीं, अंतर्निहित आएगा, दोनों ही अंतर्निहित है, मैं लिखवाऊ अंतर्निहित। नित आएगा या नित आएगा,
नित कर दो अंतर्नित, इसमें लाइन नहीं आएगी, लिखवा दूंगा मैं, इसकी शीट बनाएंगे अपन, रियल लाइफ से ही कनेक्ट है ये, और रियल लाइफ से ही कनेक्ट है, और रियल लाइफ से ही दोनों सही हो रहे हैं, रियल क्या क्या हाँ हाँ, तो ये ना आई है ना, तो ये में चल रहे हैं ना, फॉर्म भर रहे हैं ना, रुपए भी आ जाएंगे, अब ये नहीं है कि सभी के पास में आएगा, अब उनके पास सरकार के पास हाँ रुपए, तभी तो किया है उसने घोषणा, ही किया है ना, अगर रुपए ही नहीं होता तो घोषणा क्यों करती हूँ, समझ रहे, अरे ऐसे मत जोड़ो, ठीक है, ये जनता अनता, अब तो मुझे यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं, नहीं यहाँ पॉलिटिक्स नहीं चल रही है। अच्छा लड़कों के लिए नहीं।